नमस्कार दोस्तों, द फेक टाइम में आपका स्वागत है। मेगा फ्री आई कैंप चुडेरा सचा सौदा में ऑर्गेनाइज़ किया है, उसमें हम कवरेज कर रहे हैं और हमारे साथ डॉक्टर ललित जौहरी जी हैं जिनके साथ आपको बातचीत दिखाते हैं और जानते हैं इनसे कि कैंप में क्या क्या फैसिलिटीज़ पब्लिक को दी जा रही हैं और कितनी पब्लिक इसका बेनिफिट उठा रही है और क्या खास है इस डेरा सजा सौदा के फ्री मेगा आई कैंप में, जानेंगे डॉक्टर ललित जी से बातचीत करके। नमस्कार डॉक्टर ललित जी, द फेक टाइम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आप कहाँ से हैं और आपका क्या मतलब वहाँ पर काम किया? मैं नोएडा से हूँ और मैं यूपी गवर्नमेंट में 27.5 साल मैंने जॉब किया, अभी मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। सर यहाँ पर कैंप की क्या ड्यूटी है? आई कैंप में जो आई स्पेशलिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं केसेस को, उसके बाद उनका पीएसी टेस्ट होता है, प्री एनेस्थेटिक चेकअप, उसको हम लोग हैंडल करते हैं। उसमें से उस टीम में एक मैं भी उसमें सेवाएँ अपनी देता हूँ। सर यहाँ कैंप में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो पब्लिक को दी जा रही हैं? कैंप में आई से संबंधित सभी तरह के, किसी को भी, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, बड़ा है, कैसा भी है, उसको कोई भी, यदि आँख से संबंधित कोई भी रोग है, उनको सभी को विग्रस चेकिंग की जा रही है और फाइनली ग्लूकोमा और कैटरेक्ट इसका सर्जरी की जा रही है, जो कि लेंस फिट फ्री में डाले जा रहे हैं। सर जो ये पर्टिकुलरली कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, अभी कौन लोग इसमें आ सकते हैं? कुछ जो डेरा सचा सौदा से लोग जुड़े हुए हैं वो लोग आ सकते हैं, जो कौन लोग इसमें आ सकते हैं? नहीं, जो भी नीडी हैं, डेरा सचा सौदा से ऐसा कुछ नहीं है कि डेरा सचा सौदा के लोग आ सकते हैं, वो नीडी होने चाहिए, उनको वो तकलीफ़ होनी चाहिए जिसके लिए ये फ्री आई कैंप लगा हुआ है, तो सबका स्वागत है यहाँ। सर मतलब ये फैसिलिटीज़ सारी हैं ये डेरा सचा सौदा की तरफ से दी जी? ये हर साल जो है डेरा सचा सौदा की तरफ से, ये 30वां याद मुर्शिद शाह सतनाम जी महाराज की याद में पुण्य स्मृति में लगाया जा रहा है पिछले 1992 से, और ये 30वां आई कैंप है। तो सारी फैसिलिटीज़ ये डेरा सचा सौदा की तरफ से मुहैया की जा रही हैं और की जाती हैं। तो इसमें कोई भी आके अपना जो सेलेक्ट किए जाते हैं उनको कोई किसी तरह का कोई किसी तरह सब कुछ निःशुल्क है, खाना भी, दवाइयाँ भी, ऑपरेशन भी, लेंस की कीमत भी, और उनका एक वारिस जो उनके संग अटेंडेंट आता है उसका भी सब कुछ फ्री है। सर कितने लोग बेनिफिट उठा पाते हैं स्कीम? इन पिछले 30 सालों में समझता हूँ लाखों लोगों ने इस स्कैम का बेनिफिट उठाया है और हज़ारों में ऑपरेशन हो चुके हैं 30 सालों में। फिगर है, पूरे डाटा आप देखें बाहर, पूरा हमने बोर्ड पर नोटेड है एवरी ईयर का और सारा रिकॉर्डेड है। तो इस बार देखते हैं इस बार कितना होता है, लगभग हर बार जो है वो सैकड़ों की तादाद में ही इसका फ़ायदा उठाते हैं। सर क्या आपको लगता है पब्लिक के बेनिफिट के लिए और भी कुछ डेरा सच्चा सौदा का कंट्रीब्यूशन रहा है? डेरा सच्चा सौदा का कंट्रीब्यूशन तो इतना ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। यदि कोई एक एनलिस्ट करने के लिए कमेटी बनाई जाए कि भाई किन किन चीज़ों से पब्लिक वेलफेयर हो सकता है, उन चीज़ों को एनलिस्ट किया जाए, तो एनलिस्ट करने वाले भी 2-4-10 दिन तो सोच में पड़ जाएंगे कि हम क्या क्या पॉइंट्स रखें जिनसे हम मानवता का भला कर सकते हैं। 135 मानवता भलाई के कार्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, जिनकी प्रेरणा से डेरा सच्चा सौदा के सभी शिष्य उन कामों को अंजाम, उन सेवाओं को अंजाम दे रहे हैं। 135 कार्य किए जा रहे हैं जो मतलब मानवता की एक बहुत बड़ी मिसाल है। सर सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा 4 सालों से सोसाइटी में उस तरीके से प्रेजेंट नहीं हैं जिस तरीके से लगातार पहले पब्लिक को उनको कंसर्ट मिलते थे, तो आपको लगता है उनके ना रहने से कुछ इम्पैक्ट सोसाइटी के? उनके ना रहने का सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो सोसाइटी पे ये पड़ा है कि जो सोसाइटी में डिटेरियोरेशन था वो पहले यदि ग्रेजुअल था तो अब बहुत स्पीड से हो रहा है। पहले क्या होता था, आप देखें यदि उनके एवरी संडे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान अपना डिस्कोर्स देते थे, सत्संग होता था, और वो सिरसा में ही नहीं, वो विजिट कर करके भी गांव-गांव जाकर भी, स्टेट दूर के स्टेट्स में जाकर भी सत्संग करते थे, और उनका वो भी ऑन रिकॉर्ड है जो बात आपसे मैं कह रहा हूँ, हज़ारों की संख्या में और कई बार तो लाख की भी टच कर जाता था एक ही सत्संग में। लाख लोग जो है वो तभी ये कमिट कर देते थे कि हम आज से नशा नहीं करेंगे, आज से हम किसी भी तरह का मांस अंडा मछली नहीं खाएंगे, और चरित्र तीसरा नियम उन्होंने रखा था कि चरित्र कि अब बराबर की है तो बहन, छोटी है तो बेटी, और बड़ी है तो माँ की दृष्टि से देखना और बरतना। ये समाज के लिए बहुत तीनों ही पॉइंट इतने ज़रूरी अहम पहलू थे कि मैं समझता हूँ शायद एक स्वस्थ समाज में ये तीनों की ज़रूरत, आप यदि किसी भी आप बुद्धिजीवी से पूछें, किसी दार्शनिक से पूछें, तो वो ये बताएंगे। तो वो ये सब हो रहा था जो अब नहीं हो पा रहा है,
तो आप समझ सकते हैं कि उनके ना होने का कितना बड़ा इम्पैक्ट समाज पे पड़ रहा है। इस आई कैंप में आपको लगता है कुछ और ज़्यादा इम्पैक्ट होता अगर संत जी इस आश्रम में उस तरीके से? ऑब्वियसली इस समय सिर्फ आप यदि देखें तो 1/10 मानूंगा मैं इसका, इतना रश होता और इतना ही ज़्यादा लाभ भी लोग उठाते यदि वो यहाँ मौजूद होते। 1/10 ही आज जो भी लाभ इसका जो आउटकम आएगा बाद में 16 या 17 में आपको पता चलेगा, तो उसको आप 1/10 मानिएगा। और पिछले आप यदि आप देखें 2017 के पहले कैंपों से आप उसको तुलना भी कर सकते हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा। सर अल्टीमेटली आपको क्या लगता है ये मतलब जो इफेक्ट है इम्पैक्ट किसके ऊपर आ रहा है संत जी का समाज में ना होने से? इम्पैक्ट समाज में ना होने से समाज का ही बेड़ा गर्क हो रहा है, सच तो ये है। क्यों, कौन ये बताए? डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसा वर्ड है, सभी लोग अपने बच्चों का नाम विवेक रखते हैं। विवेक एक ऐसी पावर है जो एजुकेशन से नहीं आती। यदि कोई हाईली क्वालिफाइड है तो ये ज़रूरी नहीं कि उसको विवेक भी हो। विवेक तो आता ही किसी पूर्ण संत के सानिध्य से है, वो लोगों में से ख़त्म होता जा रहा है। जब वो आज समाज में नहीं है तो इसका जो परिणाम है या दुष्परिणाम कहिए वो समाज को तो भुगतना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी क्षति तो स्वयं समाज की ही हो रही है। सर जो समाज में एक धारणा है मतलब एक संत को मानना उस पर अंधविश्वास लोग समझते हैं, उस धारणा के बारे में आप समाज को क्या संदेश दें? मैं इसमें समाज का कोई दोष नहीं मानता। दरअसल क्या है कि आजकल संत महात्माओं की इतनी बाढ़ आई हुई है कि वो ये नहीं समझ पाते कि कौन सही है और कौन गलत, इसलिए वो अपने आप को उस परिपाटी से ही दूर कर लेते हैं। लेकिन मैं ये भी मैं जो कुछ अब कहने जाऊंगा उस पर सब लोग इसको मानेंगे भी कि आप हमेशा याद रखिए कि कोई भी चीज़ यदि नकली चल रही होती है तो उसकी असली चीज़ उस समय पे मौजूद होती है, तभी तो उस नकली का बाज़ार चलता है। तो लोगों को पूर्ण संत की खोज करनी चाहिए, इसीलिए ये नकली संतों का जमावड़ा हमेशा बना रहता है। आप संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के बारे में क्या कहोगे, क्योंकि उनके बारे में भी काफ़ी बातें उठाई गई, काफ़ी एलिगेशन? मैं सन 1990 से उनका डिसाइपल हूँ और मैं ये कहूँगा कि वो आज के युग के आज के समय के एक पूर्ण संत हैं। और जो 2017 से उनके संग हुआ है ये घटनाएं 1999 से धीरे 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 उनको षड्यंत्र के तहत किया जा रहा था। और चूँकि बुराई इस समय पूरे वर्चस्व की तरह फैली हुई है तो बुराई कभी सच को पनपने नहीं देती और उसी कारण उनके संग ऐसा हुआ है। लेकिन हमारा कानून पर पूरा विश्वास है, लेकिन एक बार मानूंगा थोड़ा सा स्लो है कानून। मैं आगे आने वाले समय में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब ये केसेस उनके पहुंचेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। वो सच को आप जीत तो एक दिन होनी है, सच को तो कोई नहीं झुठला सकता। कितने भी आप पुराना इतिहास भी उठा के देख लीजिए कभी ऐसा नहीं हुआ कि सच को कोई रोक पाया। क्या अपील करना चाहोगे सर सरकार से संत जी? सरकार से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि उन्हें जितने भी प्रोसीजर हमारे समाज में हमारे देश में लागू हो सकते हैं सच और झूठ का पता लगाने के लिए, वो सारे उनके अगेंस्ट लागू किए जाएं। उनको स्पीडी उनके केसेस को स्पीडीली टेकअप किया जाए ताकि वो पूर्ण अपनी सच्चाई उनकी पूरे समाज के सामने जल्द से जल्द आ सके और वो फिर से समाज में आए और एक समाज का कल्याण जो सदा से वो करते चले आ रहे थे फिर से वो समाज का कल्याण कर सके। सर आप पब्लिक को इस कैंप के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? पब्लिक को मैं इस कैंप के लिए अपील करना चाहूँगा कि ये एक ऐसा कैंप है जिसमें जितनी भावना के साथ काम किया जाता है वो और जगह आपको नहीं मिलेगा। क्या होगा, निःशुल्क ज़रूर होगा वो कैंप, लेकिन किसी न किसी तौर पर वहाँ पर या तो लेंसेज के पैसे होंगे या किसी और तरह से कोई प्रोसेसिंग चार्जेज होगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को वो भारी पड़ ही जाता है। लेकिन ये विशुद्ध निःशुल्क कैंप है, इसमें आप आएँ और इतनी ज़बरदस्त यहाँ पर आपको सेवा भाव मिलेगा और यहाँ का नज़ारा ही अलग है। और यहाँ पर जो है वो 100% जो है वो आपको स्पेशली डॉक्टर्स आते हैं, अपोलो एम्स फोर्टिस, तो आपको सुविधा भी बिल्कुल हाई क्वालिटी मिलती है और किसी तरह का कोई चार्ज भी नहीं लिया जाता, तो यहाँ पर ज़रूर सब लोग आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ललित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों हमारे साथ डॉक्टर ललित जी थे जो अपना इस आई कैंप में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और जिनका कहना है कि पब्लिक ने काफ़ी बेनिफिट आज तक 30 सालों में डेरा सच्चा सौदा के इस फ्री आई कैंप में उठाया है जिसे डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के द्वारा शुरू किया गया है। और
कहीं ना कहीं जो पब्लिक कह रही है और हम लगातार जो सर्वे कर रहे हैं उसमें भी जो जनता कह रही है और आंकड़े जो बता रहे हैं कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम भीम सिंह चिंसा 4 सालों से नहीं है, तो अल्टीमेटली जो ये नुकसान है ये जनता का हो रहा है, समाज का हो रहा है। जो समाज का भला होना था, जो समाज से नशे ख़त्म होने थे, उसमें कहीं ना कहीं जो गति है वो बहुत धीमी हो रही है, ये लगातार पब्लिक बता रही है। जो लगातार ये लोग अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी प्रक्रिया है, जो भी कानून है, उसको जल्द से जल्द ये केसेस का फैसला होना चाहिए और जल्द से जल्द सच सामने आना चाहिए। आप लोग भी सोचिए आपकी क्या राय है, ज़रूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ, द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।